गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आए हो? बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होमवेड हम घर में बनाते हैं ना, वो वाला मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ कि हम कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का सा, सिर्फ प्लेन जिंजर गार्लिक नहीं होता, तो उसको जब हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उसका थोड़ा सा वो टेस्ट इन्हांस कर देता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ हमने कैसे बनाया है। मैंने तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा ये रेडी हो गया है। ये कैसे रेडी किया है मैंने, इसको गार्लिक एक कटोरी लिया है और जिंजर एक बड़ा सा जो एक पीस रहता है पूरा बड़ा सा, वो जिंजर का उतना लिया। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आपको कैसा चाहिए होता है। और फिर उसमें हमने ये देखिए, इसमें हमने ये ऐसा बन गया है, ये देखिए इसमें डाला है लौंग, काली मिर्च साबुत और जीरा। लौंग, काली मिर्च और जीरा डाल के इसका ये ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसको किसी भी चीज़ में डालेंगे ना, तो इससे काफ़ी फ्लेवर इन्हांस हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। नॉनवेज वगैरह में तो अच्छा लगता ही है, बाकी सब्जियों में भी बहुत अच्छा टेस्ट एक सिंपल गार्लिक या सिंपल जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से जो टेस्ट आता है, उसके बजाय अगर आप ऐसा पेस्ट बना के डालें ये वाला, इससे काफ़ी इन्हांस हो जाता है फ्लेवर। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन ऐसा बनाता है, और अगर आप इसके अलावा कुछ और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो वो भी प्लीज़ आप अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिए। चलो से हाय टू एवरी वन हियर। हाय, हेलो फ्रेंड्स बोल दो। मुझे लगा मेरे दोस्त आ गए। अच्छा चलो आ गए होंगे। और ये देखिए आज कितनी फास्ट फास्ट चला गया है, और आज मेरे से आगे निकल गया है और बस आज पहुंचने वाला है। ना सुंदर लगता है ना यहाँ पे, अभी हवा चल रही है और आज तो क्लाउडी ही है मसूरी में वेदर, तो धूप नहीं है, बहुत ही सुंदर, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वेरी बैड है यहाँ, देखिए यहाँ टॉफी खा रहा है और आप लोगों को दिखा रहा है। बच्चे ऐसे करते हैं ना, एक दूसरे को दिखाते हैं ताकि दूसरा को ऐसे लालच आए कि हाय मुझे भी खाना है, तो इसी चक्कर में। और अभी यहाँ ट्यूशन से आ गया और आते ही साथ फटाफट से मुँह हाथ धो के और अब टीवी देखने बैठ गया है, कार्टून देखना है, क्योंकि उसे बहुत दिनों से टीवी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही बिजी चल रहा है आज का भी रूटीन पूरा, तो इस वजह से वो टीवी नहीं देख पाता। तो अभी कार्टून देखने बैठ गया और मैं इसके लिए दूध ले आया, दूध पिएगा, मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पीऊँगी। आज दिन से बहुत भागदौड़ हो रही है, पहले इसको आज क्योंकि मैम ने मसूरी में रखा था इसका ट्यूशन, तो वहाँ ले गई फिलहाल, तो काफ़ी बिजी रहा आज का दिन, अभी बहुत थक गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर बनाएंगे हम डिनर। ओके क्या खाओगे डिनर में? रोटी सब्जी। वाह देखिए देखिए इस बच्चे को, कितना शरीफ और सुधरा हुआ बच्चा है, ये कह रहा है कि मैं खाऊंगा रोटी एंड सब्जी, बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाता है हमारा बेटा। हाँ, मैं घर में खाता हूँ। I cannot eat junk food. ठीक है, गुड, आप बहुत अच्छा सिखाया। I can eat healthy food. हाँ यस, आपको स्कूल में बहुत अच्छा सिखाया सर ने, तो चलिए आयाश अपने पूरे जो सर ने सिखाया है उसको पूरा फॉलो कर रहा है, तो जंक फूड नहीं खाएगा। नहीं, खुद सोचा है आज ने, खुद सोचा है, वेरी गुड है आज। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर बनाते हैं डिनर। तो मैं बना रही हूँ अभी एग फ्राइड राइस, तो मैंने इसके लिए अनियन चॉप कर दिया है, ऑयल पैन में हीट होने रख दिया है, गरम हो गया है अब, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग फ्राइड राइस बनाना। अभी हमारे अनियन हो गए हैं ब्राउन, अब हम इसमें डालेंगे एग्स और उसके बाद सॉसेस, इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड किया है। हमारा एग भुर्जी हमारी हो गई है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे ब्राउनिश हुई भी अच्छी लगती है, थोड़ी क्रिस्पी सी। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी, बॉइल्ड राइस,
ग्रीन राइस इसमें ऐड कर दिए और मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डालूंगी। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कितना आपको खट्टा अच्छा लगता है। थोड़ा सा सोया सॉस, तो अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, सॉल्ट आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग में भी थोड़ा हल्का सॉल्ट रहता ही है और सोया सॉस भी सॉल्टी होता है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग पहले कम ही डालिएगा। और हाँ, इसमें मैं चिली सॉस ऐड नहीं करी क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते मिर्ची, पर अगर आप लोगों के ऐसे कुछ नहीं है तो आप चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस पसंद है। ये हमारी ब्लैक पेपर और ये ओरिगैनो, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद बस ये रेडी टू ईट हो गया। अब रेडी हो गया, अब हम खा सकते हैं इसको। और अगर आपको टमाटो सॉस डालना है तो आप केचप डाल सकते हैं। तो ये हमारी फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है, चलिए इसे सर्व करते हैं और देखते हैं कैसी बनी है। हे आश, कैसे बना है फ्राइड राइस? बहुत ही, मैं थोड़ी सी चटनी डाली तो मुझे मिर्च लगने लग गई। और फ्राइड राइस कैसा बना है? बहुत अच्छा, अब भी अच्छा है बहुत। थैंक यू। हाय वान्या। हाय, क्या खा रहे हो आप? एग फ्राइड राइस। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। टेस्टी है? हाँ। चटनी फ्राइड राइस। अच्छा, चटनी के साथ खा रहे हो? नहीं, पर इसमें थोड़ी सी मिर्च थी तो मैंने पानी पी लिया। पानी पी लिया आपने? ओके, गुड। गेम होता है जब खाना खाना है तो खाना कम खाना होता है, पैर से खेलना होता। हाँ चलो खाना खाओ। तो मैं आपको एक आयाश की बात बताती हूँ। आज क्या हुआ है कि मैं थोड़ा सा कंसर्न थी कि कहीं लॉकडाउन हो जाएगा फिर से तो स्कूल बंद ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं। अब देहरादून में भी काफ़ी केसेस बढ़ गए, तो मैं ऐसे आए कोरोना के, तो मैं आयांश को ऐसे कह रही थी कि कहीं स्कूल बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आयांश कैसे होगा। तो आयांश कहने लगा, क्यों, इतने दिनों से तो स्कूल खुले हुए हैं। मैं बंद का, तो मैंने बोला कि नहीं, खुले हैं तो अच्छी बात है ना, खुले हैं। कह रहा नहीं, क्यों, अब इतने दिन हो तो गए स्कूल खुले हुए, अब तो, और कोरोना बेचारा इतना बोर हो गया होगा, वो इतना परेशान हो रहा होगा कि मैं क्यों नहीं आ रहा। अब मम्मा कोरोना का आने दो और ऑनलाइन क्लासेस होने दो, अब स्कूल नहीं जाना, अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कोरोना का आने दो, वो बहुत बोर हो गया अपने घर में बेचारा। तो आयांश बेचारा इतना कंसर्न है, तो मुझे इसकी बात इतनी फनी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आयांश मतलब बच्चे कितना क्या क्या सोचते हैं, मतलब उसको स्कूल ना जाना पड़े इसलिए उसने क्या बहाना मारा कि कोरोना बोर हो गया होगा अपने घर में, अब उसको आने दो, स्कूल बंद होने दो। तो ऐसा नहीं है बेटा, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और अब ना आए, सब हेल्दी रहें। वो बीमार करता है सबको, उतना गंदा होता है वो, इतना भी गंदा नहीं है, गंदा है। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, है ना यश, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने खाने वाली अभी थोड़ा ब्लॉग कर दिया मम्मी। हाँ तो चलो गुड नाइट बोलते सबको। गुड नाइट। चलिए इसको मैं आयांश को सुलाती हूँ, उसका नींद आ रही है, वरना सोने का टाइम हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शिल्पाज वर्ल्ड को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।